शुरू करते हैं और चलते हैं, पहले हेडलाइन जान लेते हैं। पहला है कैबिनेट मीटिंग, मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, एलपीजी की भी कीमत घटेगी। तो अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी। दूसरा है आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया तो तुरंत करें ये काम वरना होगा नुकसान, यूडीआई ने दी जानकारी। तो इसके बारे में भी जानेंगे क्या है प्रॉब्लम इसमें। उसके बाद है व्यापम में भर्ती है, ये है मध्य प्रदेश की का। वैसे व्यापम को आपने लोगों ने घोटाले के बारे में सुना होगा, इसमें भर्ती आई है और इसी भर्ती में घोटाला हुआ था, तो इसके बारे में जानेंगे। और इंडियन एयरफोर्स का भी नोटिफिकेशन अगले साल आने वाला है, उसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले कैबिनेट मीटिंग वाले न्यूज़ से। इससे पहले कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। आज की कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया। दरअसल महंगी गैस से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस तरह तेल कंपनियों के 22,000 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट को मंजूर कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इससे पहले 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मांग की थी। दरअसल तेल कंपनियों की रसोई गैस का खुदरा बिक्री का नुकसान हो गया है, इसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से राहत दी जा रही है। तो सरकार राहत देगी तो ऑफिशियली कि अपने आप कीमत नीचे आएगा, और कहा भी जा रहा है ऐसा, घरेलू गैस के दाम हैं स्थिर। इस महीने ओएमसीएस ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की कमी की थी। इसके बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर का दाम 1,885 रुपए से घटकर 1,859 रुपए आ गया था। अगर इस साल की बात करें तो इस साल जून के बाद अब तक दाम में कुल 449 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती हुई है। हालांकि अक्टूबर में एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस समय घरेलू गैस रसोई का भाव 1,053 रुपये प्रति सिलेंडर है। तो इस फैसले के बाद हो सकता है कि आपका जल्द ही 1-2 दिन में ऐलान हो जाए कि पेट्रोल डीजल और जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं 14 किलो वाला सिलेंडर, उसका भाव थोड़ा कम हो। तो उम्मीद हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, और कुछ अपडेट होगा तो हम सबसे पहले लेके आएंगे। चलते हैं दूसरे न्यूज़ पे। अगर आप आधार कार्ड होल्डर हैं, और हैं क्या, पूरे इंडिया आधार कार्ड सबका लगभग बन ही गया है, तो अगर आप 10 साल पुराना आधार कार्ड है आपके पास तो आपको अब उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। उसमें तो देखते हैं क्या क्या अपडेशन है। आधार कार्ड के लिए ज़रूरी खबर, जिन लोगों के आधार 10 साल पुराने हैं उन लोगों के लिए खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यह अपडेट दिया है। ऐसे लोगों से अब अपने आधार कार्ड की सारी जानकारियां अपडेट करने की सलाह दी गई है। इस तरह आधार कार्ड को अपने पहचान पत्र और पते के प्रमाण संबंधी कागजातों को अपडेट करने की सलाह दी गई है। आप आधार को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से अपडेट कर सकेंगे। दरअसल आधार यूडीआई ने कहा है कि जिस लोगों के आधार 10 साल पहले बने थे अब तक अपडेट नहीं हुए, आधार अपडेट करने की ज़रूरत है। तो आप अपडेट जरूर कर लीजिए, और कैसे होगा अपडेट इसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है, जानिए कैसे करें अपडेट। यूडीआई ने बताया कि आधार को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अपडेट किया जा सकता है। ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए आप सबसे पहले माई आधार पोर्टल पर जाएं, और आधार होल्डर आधार सेंटर पर भी जाकर यह काम कर सकते हैं। इसके लिए आधार होल्डर को कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा। तो आप आधार कार्ड के वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा, और आप अपडेट करा लीजिए क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है। अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत लोग जहाँ रहते थे वहाँ आधार कार्ड बनवा लिए फिर उसी पे चला रहे हैं काम। तो आधार कार्ड का पता ज़रूर बदलवाएं, और आजकल तो फोटो अपडेट का भी ऑप्शन है तो आप अपना फोटो भी चेंज करा सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स, बहुत सारे अपडेट हैं जो कि आप करा सकते हैं जो कि ज़रूरी भी है। तो चलते हैं इस न्यूज़ के बाद अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है मध्य प्रदेश में व्यापम में भर्ती के लिए 1,200 से ज़्यादा पदों पर मांगे हैं आवेदन, चाहिए इतनी योग्यता। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए 2022 में से पहले आवेदन कर सकते हैं, मतलब आप योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 28 अक्टूबर 2022 तक
या इससे पहले आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी और व्यापम में ग्रुप 5 भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। तो देख सकते हैं, देखिए ये बहुत सारे पदों पर भर्ती निकला हुआ है और थोड़ा थोड़ा पद है। सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी 194 है, पुरुष स्टाफ नर्स, इस तरीके का पूरा लिस्ट है। आप लोग इसको पॉज करके देख पाएंगे और मैं इसको डिटेल्स डाल दूंगा आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन की। बहुत सारा पद है और टोटल पद की संख्या अगर बात करें तो 1200 है। और कैसे आवेदन करेंगे ये सब भी बताता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी की उम्मीदवार को साइंस गणित के साथ हायर सेकेंडरी 10+10+2 सिस्टम 12वीं भी पास होना चाहिए। संबंधित विज्ञापन, 2 साल का डिप्लोमा और पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य डिटेल्स के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन पर देखें। तो आप इसका वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो इसके योग्य होंगे और जाके ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आखिर में है, आखिर वाला न्यूज़ जो है वो आने वाला नोटिफिकेशन है जो कि अगले साल आना है। ये इंडियन एयरफोर्स का जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस वाले अग्निवीर के तहत इसमें भर्ती किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर जनवरी 2023 बेंच की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले सप्ताह नवंबर में से शुरू करेगी। तो आज तो भी अक्टूबर है, अगले महीने से ये आ जाएगी। आप नोटिफिकेशन ट्राई करते रहिएगा, देखते रहिए। ये वेबसाइट है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप लोग यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करिए, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी और योग्य उम्मीदवार को जनवरी 2023 के मध्य में ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती लिंक अधिकारी वेबसाइट पर सक्रिय हो जाएगा। तो अगले महीने से फर्स्ट वीक से आप इस पे जाके भर सकते हैं। जो भी इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है और 29 सितंबर तक आप लोग कर पाएंगे और जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप लोग चेक करते रहिए नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर मेरे वीडियो को आखिर तक देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। इस तरह के का जॉब का अलर्ट और जो भी रोज का अपडेट है मैं कोशिश करता हूँ लेके आता हूँ और आप लोग अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं कल के वीडियो में।